तो लास्ट क्यू एंड ए किया हुआ कुछ टाइम हो गया था मुझे, 2 महीने, और काफी क्वेश्चंस भी आ रहे थे, और रिसेंटली मैंने कमेटी पोस्ट भी किया था कि किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मैं आंसर कर देता हूँ। और वैसे आजकल यहाँ पे ना 11 दिन की छुट्टी पड़ी हुई है, उबोन यासुमी बोलते हैं, तो मैं कैंपिंग करने आ रखा था इसीलिए थोड़ा ना लोकेशन चेंज लग रही होगी, वरना तो मैं कमरे में बैठ के बना देता हूँ क्यों ना। जापान में रहने के लिए बेसिक कितनी सैलरी होनी चाहिए इन येन एंड इंडियन रुपी? व्हाट डू थिंक बेसिक सैलरी व्हाट शुड बी लाइक इन ओसाका, व्हाट शुड बी द बेसिक सैलरी टू सर्वाइव? एवरेज या निजू नीमान या हाँ, मुझे भी लगता है 2,22,000। सो इतनी सैलरी मतलब कंफर्टेबल होती है लोगों को कि आप रह लोगे, खा लोगे, कुछ पैसे इंडिया भेजोगे। इंडियन करेंसी में यार यहाँ नेटवर्क है नहीं, तो आप कन्वर्ट कर लेना यार। और मैं शायद ये वीडियो यहीं टेंट में बैठ कर एडिट करूंगा, तो मेरे पे गूगल होगा नहीं, सॉरी इसके लिए। भैया, हाउ डिड यू कॉन्कर्ड होम सिकनेस? फ्रेंड्स, मेरे साथ ये अच्छा था कि मैं दोस्तों के साथ जापान आया। अगर कोई अकेले आएगा, आई कैन अंडरस्टैंड, लाइक मैंने दोस्तों से बात करी, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जो ऐसा होता है ना कि यार जापान में मन नहीं लग रहा, वो मैं समझ सकता हूँ। मैंने दोस्तों से बात करी, लड़कों से, और वही होती है कि मेरे साथ जैसे अमित, बहुत और भी लोग थे, अमित, अभिषेक, देव भाई, पंकज भाई, संदीप, और बाद में पवन मिला, तो एक दोस्त से बन गया। तो अगर जैसे कभी कुछ होम सिकनेस भी होती है, तो उनके घर चले जाओ, घर का खाना मिल जाता है, भाभी बना के देती हैं, तो एक तरह से अपनी मम्मी पापा और सिस्टर, ये सारे फिगर्स आपको दोस्तों में दिखने लगते हैं। तो इफ यू हैव फ्रेंड्स इन जापान, देन इट हेल्प्स। लेकिन वो है कि होम सिकनेस है, मतलब उनको तो क्या रिप्लेस करोगे ना, पापा मम्मी को। ऑसम वीडियो भाई, कहीं वीडियोग्राफी में कोर्स किया है क्या, जो इतने इनोवेटिव हो? नहीं भाई, मैंने कोर्स नहीं किया, बस मेरा क्या था ना, मेरे पास कैमरा था और मैं फोटो बहुत टाइम से खींच रहा हूँ, मतलब फ्रेमिंग, पर्सपेक्टिव, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, मेकग्राउंड, बोके, डेप्थ ऑफ फील्ड, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, अपर्चर, शटर, ये सारी चीज़ें मुझे पता हैं। बस मैंने फोटो का बटन पीछे होता है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग का आगे होता है, तो बस मैंने आगे वाला बटन दबाना शुरू कर दिया। बाकी स्किल्स ऐसा नहीं है कि मैं इसको यूट्यूब करने के बाद सीखाऊँ, ये स्किल्स मेरे को आते थे, मैं इनको पॉलिश करता रहा, बस मैंने दूसरे बटन दबाने शुरू कर दिए, तो इसलिए मैं भी थोड़ी सी बेटर है। और मेरा बहुत फेवरेट यूट्यूबर है मैट डेवेला, वो भी कहता है, उसने भी कहा है कि जैसे कैमरा हो गया या ये सारी चीज़ें हो गई ना, खाली मशीन्स हैं, अगर मेरे पास गोप्रो है या मेरे पास फ़ोन है, क्या मुझे फ़ोन के सारे कैमरे का ऑप्शन पता है, जो मुझे चौकोर विंडो में दिखता है, क्या मुझे सारे रूल्स पता हैं फोटोग्राफी के, तो गियर्स अपडेट करने का फ़ायदा है, वरना फ़ायदा नहीं है। वरना आप इसमें भी उड़ती चिड़िया खींचोगे, गोप्रो में भी उड़ती चिड़िया खींचोगे, फुल फ्रेम कैमरा, सिने कैमरा और आईमैक्स कैमरा, सब में अगर उड़ती चिड़िया खींचनी है तो कैमरा हेल्प नहीं करेगा, और डिपेंड करेगा आपको उस फ्रेम के अंदर देखने वाले नॉलेज पे, मतलब ये उस बंदे ने बोला था, तो मैं कॉपी कर रहा हूँ। गाइज, आई एम एक्चुअली एनिमेशन मेजर, एंड आई मेनली वर्क इन अ 3D कैरेक्टर मेजर, आई वांट टू वर्क इन जापान, बट आई हर्ड अ टफ एक्सपीरियंस इन जापान, जापान एज अ जापानीज आर्टिस्ट, इज इट बिलीव और वुड यू बिलीव इट एज रियलिस्टिक हाई पेइंग? भाई हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर तुम जापान में, अगर आपको अलग कंट्री से ऑफर है, जैसे कैनेडा, US, UK, यूरोप वगैरह, तो भाई वहाँ निकल जाओ, क्योंकि जापान का क्या है ना, आप यहाँ पे आओगे, कल्चर बिल्कुल अलग है, इंडियन कम्युनिटी आपको बहुत कम मिलेगी अगर आप इस तरह से, क्योंकि यहाँ जापानीज एक आइलैंड है ना, मतलब देर आर नॉट मैनी फॉरिनर्स लाइक इफ यू कम्पेयर टू US एंड यूरोप, राइट? सो यू विल फील आइसोलेट मे बी, और आपको सबसे, एंड यू हैव टू लर्न जैपनीज ऑन द टॉप। सो अगर आपके पास स्किल्स हैं, ऑफर हैं, तो आई वोंट प्रेफर यू टू कम टू जापान, आई प्रेफर यू टू गो ओवरसीज कंट्रीज लाइक अदर देन एशियन कंट्रीज लाइक US, UK, यूरोप। डिस्प्ले टैबलेट और डिसेंट नॉन डिस्प्ले टैबलेट मेरे पास वही है, मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, सिंटिक मैंने यूज़ किया है, मेरा हाथ गर्म हो जाता है, ग्लव्स पहनने पड़ते हैं, तो ग्लव्स मुझे ठंडी में अच्छे लगते हैं। I guess most people are attracted to this industry, especially young generation, is not because of the work profile or something, but they themselves like play games and thinking how cool it would be to work industry which is regular 9 to 5, jahan har waqt boss ki chaatni padti hai. I guess you should bust a myth video about this, whether this industry is really that cool to work in. Oh bhai, isne to sach ka aisa tajab mara na bhai ne, Amit Kumar ne बिल्कुल सही बोला कि लोगों को लगता है ना कि हम गेम खेल रहे हैं और गॉड ऑफ वॉर खेल रहे हैं, तो उसमें
हम जॉब लग जाएगी तो हम मेन कैरेक्टर बनाएंगे, क्राथोस बनाएंगे, और जब वो गेम कंपनी में लगेंगे तो वो अल्फा ठीक कर रहे होंगे या सिमुलेशन में जाके रिगिंग के पॉइंट ठीक कर रहे होंगे। तो बिल्कुल सही बोला भाई ने कि आप इंडस्ट्री में आने से पहले ऐसा लगता है कि बहुत कूल जॉब है ना एकदम, लेकिन बाद में जब आओगे तो पता लगता है कि बिल्कुल अलग तरह का काम कर रहे हो। और यार बॉस की चाटने वाली बात है वो तो है ही, लेकिन वो किस फील्ड में नहीं है, मतलब बैंक में हर चीज़ों में, मतलब मेरे दोस्त अलग अलग फील्ड में 10 फील्डों में सब यही रोते हैं, तो ये चीज़ भी हमारी इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है। तो वो चीज़ सही बोली भाई ने कि हाँ ऐसा लगता है ना कि बहुत कूल चीज़ है, बहुत अच्छा वर्क प्रोफाइल है, यंग बंदे सोचते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में आते हो तो थोड़ा सा अलग है। जैसे दोस्त अभी बोलते हैं यार तेरा बढ़िया यार, दिन भर कार्टून बनाता होगा जी, हाँ कार्टून एलओडी बना रहे हैं बैठ के। प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू निगोशिएट विद क्लाइंट, हाउ टू प्राइस योर आर्ट पर आर बेसिस ऑफ योर से एज अ मॉडलिंग आर्टिस्ट बोथ हार्ड सर्फेस एंड ऑर्गेनिक गेम वी एफेक्ट्स एंड करेक्टेबल डेटा, हाउ टू कीप अप विद द न्यू थिंग्स हैपनिंग इन 3D, हाउ टू करेक्ट 3D इंटरव्यू, सो मेनी क्वेश्चन। सबसे पहले अपना प्राइस कैसे तय करें, प्राइस मैं ऐसे बोलूँगा कि अपने आसपास दोस्तों को देखो वो क्या प्राइस तय कर रहे हैं। और मैं तो कभी कभी क्या करता हूँ ना, क्लाइंट बन के ही एक दो दोस्तों से उनके प्राइस पूछ लेता हूँ तो वो भी तरीका आजमा सकते हो कि ऐसी कोई फेक आईडी बनाओ और बोलो कि ये मॉडल मुझे चाहिए, बता कितने में देगा, अपने दोस्त से पूछो या अपने स्किल वाले सेम वाले बंदे से पूछो और वो बंदा अपना प्राइस बता देगा, और तुमको लगता है कि तुम्हारी स्किल्स उतनी जैसी हैं तो वो प्राइस अपना लो, या उससे ऊपर नीचे करके बोल लो तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। 12th में क्या लिया था, साइंस तुम लेते नहीं हो, साइंस तुम्हें दी जाती है। जैसे 8th तक मेरे पास आर्ट्स थी और उसके बाद मेरे स्कूल में आर्ट्स का सब्जेक्ट ही नहीं था, तो साइंस मैंने ली नहीं थी, साइंस मुझे दी गई थी। आपको 12th में कितने मिले थे, मैं मार्कशीट लगा दूंगा, कुछ 70 के आसपास थे यूपी बोर्ड में मेरे, तो अभी थोड़ी देर पहले रिजल्ट आया, बहुत गंदा है। गंदा अच्छा पता नहीं, क्योंकि अगर मैं देखूँ ना मेरे आसपास जितने भी लड़के हैं जो मतलब ओवरसीज भी काम कर रहे हैं और बाकी इंडिया में भी अच्छी तनख्वाह उठा रहे हैं, अच्छे बैंक में मैनेजर हैं, ऐसा नहीं था कि सारे लड़के ही एकदम पहाड़ में एकदम एग्जाम में एकदम टॉप नॉच थे। जो टॉप नॉच थे वो तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो टॉप नॉच नहीं थे उनकी ऐसी तैसी हो रखी है, तो मतलब लोग कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। आपने जापान डिप्लोमा में किया था सिटी का, नहीं भाई इंडिया से किया था, नोएडा सेक्टर 62 में। शादी कब कर रहे हो ब्रो, ये मुझे लग रहा है मेरी मम्मी की फेक आईडी है। वर्किंग कंडीशन, डू यू हैव वर्क लोड इन योर कंपनी, लोड नहीं भाई, नॉट दैट मच, मतलब हाँ थोड़ा बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोडे हो, लोडे लगे हो। भैया कैन यू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ जॉब दैट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्टूडेंट्स और फील एसोसिएटेड विद दैट। आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मतलब आप शायद 12th में हो तो इसलिए पूछ रहे हो, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्टूडेंट का कोई फील्ड नहीं है। मतलब मैं भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में था, अब मैं आर्ट्स में आ गया हूँ, तो 12th इंडिया का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा अलग है कि 12th तक आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बोलते हैं, लेकिन उसके बाद इतनी सारी फील्ड है ना, बैंक में अगर जाते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री वाला बंदा बैंक में भी जा सकता है, आर्ट में भी जा सकता है, तो PCM की कोई फील्ड नहीं है मैं तो कहूँगा। तो और आगे एक्सप्लोर करो अपने क्या क्या स्किल्स हैं। आई वांट टू आस्क दैट व्हेन यू केम टू फ्रॉम इंडिया टू जापान, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी फाइंडिंग अपार्टमेंट इन जापान बिकॉज सम लैंडलॉर्ड डोंट एक्सेप्ट एनी जापानीज पर्सन लिविंग। हाँ यार ये इशू आता है, लाइक मैनी जापानीज पर्सन डोंट लैंड हाउस टू, ये ऐसा नहीं है कि इंडियंस को नहीं देंगे, इन जनरल दे डोंट लैंड टू फॉरिनर्स because like the way of living of foreigners and way of living from Indians like, or Indians or no, Japanese is different. So I have a half Japanese half American friend, but he couldn't rent a place because he just looked foreigner, and even he was nationality Japanese like me and lived his whole life, he couldn't rent. हाँ अगर पूरी लाइफ भी यहाँ रहोगे तो भी वो चीज़ रहती है, क्योंकि इसमें रेसिज्म की बात नहीं है, रहने का तरीका अलग है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हाउ टू से, जैसे इंडियंस के बोलूँ तो उनका खाना अलग होता है ना, तो इस घर में स्मेल रह जाती है। इफ़ आई से अबाउट अमेरिकन एंड ऑल, लाइक दे डू हाउस पार्टीज एंड ऑल, सो इट्स प्रीटी नॉइजी फॉर द नेबर्स, सो रादर देन गिविंग अपार्टमेंट दे जस्ट से नो। सो ये ऐसा नहीं है कि रेसिज्म वाला सीन है, ये ऐसा सीन है डिस्कम्फर्ट वाला सीन। हाँ फॉर एग्जाम्पल लाइक इफ यू रेंट अपार्टमेंट इन इंडिया, यू विल प्रेफर टू रेंट द अपार्टमेंट टू अ मैरिड कपल राइट, रादर देन लाइक रेंटिंग अपार्टमेंट टू अ बैचलर। इट्स नॉट अबाउट लाइक देयर मैरिटल स्टेटस, इट्स मोर लाइक हाउ दे लिव इन द सिटी। भाई हफ्ते में कम से कम 4 व्लॉग पोस्ट किया करूँ, मैं 4 वीडियो पोस्ट करूँ और मुझे 5वें दिन कंपनी लात मार दे
तो एडिटिंग के लेके कुछ क्वेश्चन आए थे, आप खुद ही एडिटिंग करते हो और कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो लव योर वीडियोस? हाँ मैं एडिटिंग खुद ही करता हूँ, और सॉफ्टवेयर में कौन सा यूज़ करता हूँ मैं, फिल्मोरा, इस तरह के जो टॉकिंग हेड वाले यूज़ होते हैं ना, मतलब जिनमें ऐसे कोई ट्रांजिशन नहीं होती है, कुछ सिंपल बक 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 करते जाओ कमरे में बैठ के, तो वो तो फिल्मोरा में निपटा देता हूँ कुछ आधे घंटे में। लेकिन जैसे हाइकिंग की वीडियो हो गई जिसमें ट्रांजिशन थोड़ा थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करनी होती है ना, मीम वगैरह उल्टी सीधी हरकतें, तो उसके लिए थोड़ा प्रीमियम लगता है, प्रीमियर लगता है। और बाकी कुछ जैसे स्टार वॉर्स वगैरह के वीडियोज़ होते हैं, जैसे वो स्टॉर्म ट्रूपर बनाया था वो सब, तो उसमें आफ्टर इफेक्ट मैंने बैक ट्रैक वगैरह यूज़ करना पड़ा था, उसके लिए आफ्टर इफेक्ट यूज़ किया था। नेक्स्ट लेवल एडिटिंग, थैंक्स बाय, थैंक्स बाय, थैंक यू। मुझे पता नहीं था एडिटिंग के इतने सारे कमेंट आएंगे, एडिटिंग नरेशन को लेके, वॉइस को लेके, तो मैंने एडिटिंग ऐसे इंस्टीट्यूट में कहीं सीखी नहीं है। मतलब इंस्टीट्यूट में 7 दिन की क्लास होती है, उसमें जो घोल के पिला नहीं देते हैं, कट टूल यहाँ पे है, स्लाइस टूल यहाँ पे है, वो वाली एडिटिंग सिखाई है। और फिर 10 साल 12 साल कुछ नहीं किया मैंने सॉफ्टवेयर में, और फिर मैं यूट्यूब पे सारा ही सीखा है। तो पता नहीं, मुझे लगता है कि एडिटिंग आप नॉर्मल सीख सकते हो, मतलब ये यूट्यूब वाली एडिटिंग होती क्या है, इसमें बेसिक जो ब्लॉगर एडिटिंग करते हैं, बीट पे म्यूजिक कट कर दिया या 4 टाइमलेस डाल दिए, जो केसी नेहसत 15 साल से कर रहे हैं उसको करना है। बाकी अगर और जाना है तो मीम ऐड कर दिए, कलर करेक्शन हो गया, सिनेमाटोग्राफी ऐड कर दी। अब उसके लिए होता क्या, आप जिस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हो ना, मे बी उस तरह से आप सीख सकते हो एडिटिंग। जैसे मैं जिन लोगों को देखता हूँ वो है मैट डेवेला हो गया, कैमरा वाला भैया हो गया, इरफान जुनेजा हो गया, थरुण स्पीक्स हो गया, फिर वैसे सोचता हूँ कि हाँ इन्होंने कितना अच्छा किया। मतलब बीट पे कट करते तो लोग 5 साल से कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट क्या है, तो मैं वही देखने की कोशिश करता हूँ कि आप क्या ऐड करूँ। तो इस चक्कर में मेरे से मीम ऐड हो जाते हैं, या फिर मैं वॉइस नरेशन जो हिंदी का ऐड किया, वो सारी चीज़ें तो मैंने कहीं देखी नहीं थी, तो खुद ही आ गया। लेकिन हाँ, एक इंस्पिरेशन मिल जाती है ना कि दूसरा बंदा ये कर रहा है, तो हाँ इसके अलावा भी कुछ कर ही सकते हैं, तो मतलब वो वाला सीन रहता है। अभी स्टार्ट किया, तुम्हारी वीडियो देखना बहुत मज़ा आता है, मस्त एडिट करते हो, बस थोड़ा थोड़ा जल्दी अपलोड करो, राम जी के साथ भी अपलोड करो भाई। अब जल्दी अपलोड करने का तो क्या सीन है कि अब जैसे मेरी फुल टाइम जॉब है यार, मैं सुबह 10 बजे आता हूँ, 10 बजे आता हूँ, 8 बजे आता हूँ, कभी कभी फ्रीलांस कर लेता हूँ, तो इस चक्कर में ना बहुत रेगुलर अपडेट करने के बाद मैं फिर भी कोशिश करता हूँ पाँच दिन में वीडियो अपलोड कर दूँ, 5 या 6 दिन में। और बात रही पवन के साथ अपलोड करने की, तो वो रहता है, अब जैसे पवन ना पहले जॉब करता था, मैं भी जॉब करता था, सैटरडे संडे दोनों का ऑफ जाता था, तो दोनों साथ में मिल लेते थे या वीडियो बना लेते थे। अब क्या, उसका इंस्टीट्यूट है तो उसके स्कूल आर्ट्स चेंज हो गए हैं, और बाकी उसको असाइनमेंट्स मिलते हैं वो कंप्लीट करना होता है, सैटरडे संडे उसको थोड़ा अलग कैमरा वैमरा का कुछ काम करना होता है, तो मिलना कम होता है। और जब मिलते भी हैं तो उसमें भी मैं कैमरा लेके ऑन हो जाऊँ, कैमरा ऑन करके खड़ा हो जाऊँ तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर वही है कि हम मिलते हैं, लेकिन वही है कि बस उस टाइम पे भी कैमरा ऑन करना ठीक नहीं लगता, कि अपना बात बात होती है, हंसी मजाक, दुख दर्द शेयर की और अपने अपने घर आ गए। तो अगर कभी ट्रिप बनता है फौजी जैसा तो दोबारा बनाऊंगा। भैया आपका जापान सिटीजनशिप लेने का विचार है क्या, या भारत वापस आने का एट सम पॉइंट? और दूसरा है कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 15,000 सब्सक्राइबर, थैंक्स भाई। आपका जापान में सेटल होने के बारे में क्या ऑप्शन है? जापान में सेटल होने का क्या मतलब, मैं PR अप्लाई कर दूंगा, PR में क्या होता है आपको इंडियन नेशनलिटी खोनी नहीं पड़ती। और बाकी सवाल रहा जापानी सिटीजनशिप का, उसके लिए आपको इंडियन सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी, फंबल हो गया। तो मैं इंडियन सिटीजनशिप तो छोड़ूंगा नहीं, मतलब नीला पासपोर्ट है, लेवाई पे लेके पैदा हुआ तो वही लेके मर जाएंगे। Which laptop you used to learn character designing and which software? जब मैंने शुरू किया था तब कोटू डुओ से शुरू किया था, लेकिन उस बात को तो हो गया कुछ 10-12 साल। और अभी अगर मैं बोलूँ तो i3 या i5 तक, i5 के ऊपर कोई प्रोसेसर लोगे तो शायद काम बन जाएगा, क्योंकि अगर बेसिक ही सीखना है जैसे माया हो गया, सिमुलेशन वगैरह नहीं करना है, सिर्फ माया मॉडलिंग और टेक्सचरिंग सब्सटेंस वगैरह सीखना है, तो मैं कहूंगा i5 तक भी चल जाएगा। 3D आर्टिस्ट बनने के लिए ड्राइंग कितने लेवल की होनी चाहिए? और मैंने 3D ड्राइंग कभी बनाई नहीं, उसकी मुझे समझ भी नहीं, तो आप ही कुछ बता दो कि अब क्या करूं। मैं इसी वीडियो में कहीं पर ना अपनी पुरानी ड्राइंग शेयर करूंगा, तो मेरी भी ऐसी कोई ड्राइंग एकदम ऐसा नहीं था कि मोनालिसा माफिक हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर ड्राइंग अच्छी नहीं भी है तो भी आप 3D में फील्ड में आ सकते हो, क्योंकि मैंने कई बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट देखे जिनकी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन उनके स्किल्स अच्छे हैं। ये सारी बातें मैंने अपनी 3D मॉडलिंग की वीडियो में बोल रखी है, अगर आप उसको देखोगे तो कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। भाई मैंने BSc एनिमेशन एंड VFX की डिग्री कोर्स के लिए एडमिशन लिया है नोएडा में, बट फीस काफ़ी हाई है, क्या ये वर्थ है, प्लीज़ टेल मी। कोई भी नहीं देखेगा कि तुमने कौन सी डिग्री कोर्स करी है या क्या किया है, तो अगर फीस दे चुके हो अब तो क्या ही कर सकते हैं, एक बार वापस लेने की कोशिश करो, उनसे बोलो कि
मतलब मेरी कुतिया मर गई, कुछ भी एक्सक्यूज बना के बोलना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन अगर फीस नहीं मिल रही है और अगर आधी पे की है तो बेस्ट है, क्योंकि डिग्री कोई नहीं पूछता कि तुम्हारे पास डिग्री है कि नहीं है, सिर्फ तुम्हारा पोर्टफोलियो देखा जाएगा एंड ऑफ द डे। Please make a video guiding people like me which want to do a job in Japan, as I am a VFX artist and 3D artist. Please cover everything. Hope have nice. हाँ, मैं इन फ्यूचर इसकी वीडियो सोच रहा हूँ बना दूंगा। काफी लोग आ रहा था कि क्या वर्क फ्लो होना चाहिए, क्या पाथ होना चाहिए अगर बाहर किसी ओवरसीज अप्लाई करते हैं, तो मैं इसका बना दूंगा। और बाकी अगर किसी और आर्टिस्ट से बात कर सकूँ कि वो बाहर कैसे गए तो उसको भी देखता हूँ, अगर कोई बंदा दोस्त वगैरह कोई राजी हुआ आने को तो उसको बुलाता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ इसको बनाने की वीडियो एक। What to do after learning ZBrush? How should we get job here and how to apply for foreign country as a student? Foreign country as a student, भाई अगर आपके पापा के पास बहुत पैसा है, मेरा भी बहुत मन था जब मेरी तो जॉब लग गई थी, मेरी तनख्वाह की थी कुछ 8-9 हज़ार, और मैं थिंक टैंक के कनाडा में स्कूल है वहाँ जाने की सोच रहा था, और उसकी फ़ीस थी कुछ 25 लाख रुपए। तो मैंने अपनी मम्मी से बात बात करी थी, तो अब ऐसा तो नहीं था कि हमारे घर हों बड़े बड़े या उनको एक घर भेज दिया और फीस आ गई, तो जाना तो मैं भी चाहता था लेकिन जा नहीं पाया। और मेरे साथ के जितने भी आर्टिस्ट हैं इंडिया में काम कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, और कोई भी नहीं गया बाहर पढ़ने, तो ये तो ऐसा है नहीं कि आपको बाहर पढ़ के ही बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, क्योंकि नॉलेज है वो तो ऑनलाइन बट ही रहा है, तो ऑनलाइन सीखो। मुझे लग नहीं रहा बाहर जाने की ज़रूरत है। अगर ये आकाश अंबानी का क्वेश्चन है तब तो आप चले जाओ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आपको बाहर पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। Not a question, but really like your content. Whenever I see you that you have uploaded a new video, it lights my mood up. The cinematography along with your hilarious commentary are psycho. My good wishes for you. Thanks, bhai. Ab iska answer to kya dun? Appreciation hai. Thank you. 3D designing ke liye kya kya accessories ki zarurat hai PC aur design softwares ke alawa? 3D design software ke alawa kya accessories chahiye hongi? Pen tablet chahiye hota hai agar aap पेन टैबलेट चाहिए होता है अगर आप स्कल्पटिंग वगैरह कर रहे हो, और तो कुछ भी नहीं, बस माउस कीबोर्ड पेन टैबलेट और बगल में एक तकिया और बिस्तर, क्योंकि नाइटें बहुत लगती हैं। ओके, हमारी तो 3D के क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हैं। अगला आता है, अगला क्वेश्चन था भैया आप सैटरडे संडे तो ट्रिप के लिए जाते हो और एडिट कब करते हो? यहाँ तो 5 सुबह उठने का मन नहीं होता क्या? सैटरडे संडे एक तो वो है कि मेरे को ना पता नहीं पैर में तेल है क्या है, मेरे को बाहर जाने का बड़ा मन करता है। मतलब सैटरडे संडे भी होगा ना मैं तुरंत बाहर निकल जाता हूँ, मैं ऐसे घर में बैठा नहीं जाता। तो होता क्या, जैसे ही सैटरडे संडे आता है मैं बाहर निकल जाता हूँ, एडिटिंग में करता हूँ वीक डे के किसी शाम वाम में, तो इसीलिए मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता सैटरडे संडे एडिटिंग करने का। बाकी टाइम तो क्या ही है, 24 घंटे आपके पास भी हैं, 24 घंटे मेरे पास भी हैं, उसको यूज़ कैसे करना है वो मेन है। लॉन्ग ब्लॉग है भगवान, लॉन्ग ब्लॉग के इतने आ गए ना, 4-5 कमेंट आए कि लंबी वीडियो बनाया कर, थोड़ी लंबी वीडियो बनाया करो भाई, मज़ा नहीं आया, लंबी वीडियो बनाओ 15-20 मिनट की, बस एक छोटा सजेशन है थोड़े बड़े ब्लॉग बनाओ, यू आर डूइंग फेबुलस। पहले मेरे ब्लॉग ना 5 मिनट के होते थे, अब मैंने खींच खाच के किसी तरह 8 मिनट बना दिए। तो बनाने को तो मैं बना दूँ कि लेकिन उसमें बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं 4 टाइम लैप्स और ऐड कर दूँगा, या फिर मैं कैमरा लेके ऐसे कुछ चलता ही रहूँगा, या ये भी बोल दूंगा पहाड़ कितना सुंदर है, बादल कितना नीला है, तो उसका फ़ायदा नहीं है। मतलब मैं वीडियो में कोशिश करता हूँ 8 मिनट की वीडियो हो और वीडियो में एक पेस हो, कि अगर मैं कोई स्टिल शॉट भी यूज़ कर रहा हूँ तो मैं वो 3 सेकंड यूज़ करता हूँ ताकि वीडियो में पेस बना रहे। अगर वो पेस छूट जाएगा ना तो कई लोग बीच में स्किप कर देंगे, या फिर मैं बचे कुछ शॉट एंड में डाल के उनकी लेंथ बढ़ा दूँ। तो मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ कि मैं वीडियो और कैसे बढ़ाऊँ, चेक करता हूँ, बाकी सीख रहे हैं ना अभी। तो भाई सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू, आपके व्लॉग की क्वालिटी तो एक नंबर है, थैंक यू भाई। मेरा क्वेश्चन ये है कि जापान में काफ़ी जगह देख चुके हैं, उनमें से आपकी कोई फेवरेट 3 जगह बताना और उसका एक्सपीरियंस उस जगह का। थैंक यू सो मच फॉर हाई क्वालिटी व्लॉग्स, थैंक्स भाई। अच्छा, मेरी फेवरेट 3 जगह, ओके, माई फेवरेट 3 प्लेसेस, माई फर्स्ट फेवरेट इज माउंट तातेयामा, मैं उसकी फोटो डालूंगा, माउंट तात्यामा। सेकंड फेवरेट इज माउंट फूजी जब मैं साइकिल से गया था, और थर्ड फेवरेट होगी मेरी हार्ट से जिम। तो है क्या ये 3 फेवरेट, भले आपको सुंदर ना लगे लेकिन हुआ क्या था, तात्यामा में जब पहुंचा था तो मैंने कुछ 2 दिन की हाइकिंग करी थी और तब मैं उस टॉप पे पहुंचा था। माउंट फूजी जो मैं बोल रहा हूँ, मैं फोटो ऐड करूंगा, वो मैं 5 दिन तक साइकिलिंग करी थी और फिर वहां पहुंचा था। तो मे बी ये जगह इतनी सुंदर नहीं है लेकिन जैसे
वहां पहुंचने के लिए जो मेहनत करी थी ना वो ज्यादा लगी थी, तो मे भी इस वजह से मुझे वो प्लेस सुंदर लगती है क्योंकि वो देखने के लिए मुझे सही में मेहनत करनी पड़ी थी। तो एक वो होता है ना कि अगर कोई चीज आसानी से मिल जाए, थोड़ी मेहनत करके पहुंचो ना तो सुंदर लगती है। तो ये तीन है, बाकी जिम तीसरी प्लेस याद नहीं आ रही है। ठीक है, ओके जिम इन जापान। ओके डू यू फील, ओके यू कैन रीड दिस इन इंग्लिश। But yeah, do you feel that life in Japan is more work-oriented than India, and does this affect your mental health? Love your videos. अगर मैं यार अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूं तो मेरी इंडिया में ज़्यादा लंटर लगते थे, मतलब ऑफिस में। जापान में मैं आज तक 10 बजे के ऊपर नहीं रुका, और इंडिया में 6-6 महीने हो जाते थे मैं 10 बजे से पहले जा नहीं पाता था। तो मैं अपनी इंडस्ट्री का बोल सकता हूँ, मेरी इंडिया में ज़्यादा लगती थी। जापान में मैं सही में मतलब वर्किंग एनवायरनमेंट इंडिया से बेटर है, मैं तो ये बोलूँगा। या फिर ये कह लो कंपनी कंपनी डिपेंड करता है। प्लीज टेक माय क्वेश्चन, डोंट यू थिंक जापान इज डिप्रेसिंग बिकॉज ऑफ वर्क? मैं वो दो आंसर हो जाएंगे सवाल के। मेरी कंपनी में जैसे फॉरेनर्स है ना, वो तो जैसे ज़्यादा लेट नहीं रुकते हैं, लेकिन जो जैपनीज लोग हैं वो बहुत लेट रुकते हैं। इवन लाइक शी कैन टेल यू द बेटर आंसर आई थिंक। For my company, it's because it's a foreign company, I don't face that. But my friends who works in Japanese company, they have to overwork even if they don't have work because their boss is staying. When you go drinking with your whole teammate, you have to go home with your boss, like with taxi and stuff, and they won't pay for it. Or if your boss has drink and then if you don't feel for them, it's like you need to feel for them. So हाँ तो वही है कि depressing है. बट डिपेंड करता है कौन सी इंडस्ट्री और कौन सी जॉब पे। भाई जैपनीज गर्लफ्रेंड कैसे बनाए, कोई टिप्स दो। मैं टोक्यो में रहता हूँ बट जैपनीज नहीं आती। ओके इसका क्वेश्चन मे भी लड़की ज़्यादा अच्छा दे देगी, मतलब मैं भी दे दूंगा, ऐसा नहीं है। ओके फर्स्ट फ्रॉम गर्ल्स पर्सपेक्टिव, दिस इज अ गाय हु लिव्स इन टोक्यो एंड ही वॉन्ट टू मेक अ जैपनीज गर्लफ्रेंड, हाउ ही शुड नॉट हुकअप जैपनीज गर्लफ्रेंड, या गर्लफ्रेंड बट ही डोंट नो जैपनीज, हाउ ही कैन make Japanese girlfriend? In Tokyo, there's many Japanese who is interested. How to find? Who is interested in Indian culture or English. So if you can speak English, just go to bars or meetups, or just don't go search in clubs, but just go bar, just go talk to them. And they like when guys are friendly, because Japanese guys are not really friendly. So if you talk to them friendly or like give a little skinship, it'll be good. तो भाई टोक्यो में रहते हो तो मैं तो कहूँगा कि कोई एक जैसे अगर आपके पास उसकी हॉबी है तो बेस्ट है, क्योंकि जैसे फोटोग्राफी हो गई, हाइकिंग हो गई या साइकिलिंग हो गई, इस तरह के मीटअप ज्वाइन करो, क्योंकि क्लब में और बार में आपको हुकअप मिलेंगे, वन नाइट स्टैंड मिलेंगे। लेकिन आपको अगर सही में गर्लफ्रेंड बनानी है तो म्यूचुअल फ्रेंड्स में ढूंढो, या फिर इवेंट्स में जाओ, मीटअप्स में जाओ। जैसे मीटअप आपको ऐप पता होगा, एक मीटअप करके ऐप है, वहाँ पर आप जाओ, सेम हॉबी के बंदे आते हैं वहाँ पर, उनसे मिलो, बात करो। तो ऐसा नहीं है कि जैपनीज वियतनामीज बहुत सारे कंट्री के लोग आते हैं, एक आपका फ्रेंड सर्कल बन जाएगा। बेस्ट टिप इज बी कॉन्फिडेंट, अरे ये सब जस्ट एक्ट लाइक यू आर हैप्पी बाय सिंगल, बट इफ दे गेट अट्रैक्टेड टू यू डोंट प्ले हार्ड टू गेट, जस्ट डू व्हाट यू हैव टू। अरे ये सब वही उसमें होता है, ये सरस सलील वगैरह मैगजीन में, महिलाओं की जो मैगजीन होती है। ह्यूमन एनाटॉमी कहाँ से सीखी आपने? अभी तक सीखी नहीं है, मतलब ये फेज है जो आप मरते दम तक सीखते रहोगे ह्यूमन एनाटॉमी, तो मैं भी अभी सीख रहा हूँ। कहाँ से सीखी है? एक ना बुक है एनाटॉमी फॉर स्कल्प्टर्स, वो बहुत अच्छी बुक है, और बाकी ट्यूटोरियल मिल जाएंगे आपको। एक स्टैचू खरीद लो, मेरे पास स्टैचू पड़ा हुआ है, उसको घुमा के देखते रहो। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, रेफल गैस्ट्री, डेनियल बेल, स्कॉट एटन तो भाई पापा है भाई सब चीज़ों में, तो आप उन सबकी ट्यूटोरियल देखो, एनाटॉमी ऐसे बहुत अच्छी क्लियर हो जाएगी। कभी ऐसा फील हुआ है कि यूट्यूब और पहले शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन एटलीस्ट शुरू तो किया, वो बड़ी चीज़ है। या ऑफ कोर्स लाइक इफ आई लाइक, अरे मैं ना वो था शर्मिला बिल्ला नहीं होता उस तरह से था, अरे मैं यूट्यूब क्या करूँगा अरे, लेकिन फिर अभी लगा कि अब जब शुरू किया है, अब देख रहा हूँ लोगों को पसंद आ रहा है, तो मुझे लगा नहीं था कि मतलब मेरी वीडियो कौन देखेगा। मुझे ऐसा लगता था कि ना ठीक से एडिटिंग आती है, और शुरू पहला व्लॉग देखोगे तो मेरी तो आवाज़ नहीं निकल रही थी उससे वीडियो से। अब थोड़ा बहुत बोल भी लेता हूँ, धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में वही कॉन्फिडेंस नहीं था कैमरे के आगे बोलने का। इनफैक्ट इफ आई मेक वीडियो नाउ आई हैव टू स्पीक लाइक 2 or 3 times, राइट? लाइक अगर मैं अपने फंबल ऐड करने शुरू कर दूँ तो इसी वीडियो में बहुत सारे मिल जाएंगे। अभी लग रहा है मैं फ्री में बोलता जा रहा हूँ, लेकिन फंबल मारता हूँ मैं भी। तो हाँ ऑफकोर्स लगता है कि पहले शुरू कर देना चाहिए था। वन मोर वीडियो आई वॉन्ट टू मेक दैट इज हाउ NRI सेंड मनी टू इंडिया।
हाउ डू यू सेंड मनी इफ मनी इज रिक्वायर्ड. तो अभी जो हम मतलब इंडिया में मतलब जापान में भी ना SBI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है, तो आप वहाँ से मनी मंगवा सकते हो. आपको एक या डेढ़ दिन लगते हैं, वरना 3-4 दिन से ये ट्रांसफर वाइज बहुत फेमस हो रहा है. और मैंने एक दो बार यूज़ करके देखा है, मेरे काफ़ी दोस्त यूज़ करते हैं, एक्सचेंज रेट सही मिल जाते हैं. तो ये दो ऑप्शन है, बाकी मनी ट्रांसफर भी है. तो मतलब मोस्ट फास्टेस्ट टाइम इन आई विल से दिस वन ट्रांसफर वाइज एंड SBI. ब्रो बाइक्स के बारे में नहीं बताया आपने. बाइक्स आई मीन दिस बाइक मोटर बाइक और लाइक नॉर्मल बाइक. मोटर बाइक पता नहीं, आई डोंट नो विच क्वेश्चन इज इट, लाइक विच बाइक इज इट. बाइक अगर साइकिल की बात करता हूँ, वैसे बाइक इंडिया में उसे कोई बोलता नहीं है, बाइसाइकिल बोलते हैं. बाइक का क्या है कि जैसे बाइक होगी ना, मैं भी लाइसेंस ले रहा हूँ ऐसे स्पोर्ट्स बाइक का. यहाँ जापान में तीन तरह के स्पोर्ट्स बाइक होते हैं, एक लाइसेंस सॉरी तीन तरह के लाइसेंस होते हैं. वन इज लाइक 400 cc, वन इज बिलो 125 cc, फर्स्ट इज बिलो 125 cc, सेकेंड इज बिलो 400 cc, थर्ड इज लाइक अबव 700 cc, 750 आई थिंक. हाँ 750. तो मैं सबसे बड़ी वाली बाइक का ले रहा हूँ, उसमें हायाबुसा वगैरह सब चल रहा, हार्ले डेविडसन वगैरह. तो मैं वो लाइसेंस ले लूँगा, उसके बाद वीडियो बनाता हूँ कि बाइक के बारे में ना पूरी. आई एम डिप्रेस्ड एज ड्यू टू लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड कॉलेज एंड स्टफ. व्हेन आई सी यू हैव पोस्टेड इट रियली लाइटन्स अप. जस्ट से एक दिन मैं अजय भाई जापान में कैसे, जस्ट से एक दिन मैं भी अजय जैसे. ओ भाई दिस इज लाइक रियली गुड कमेंट. इफ यू नहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रेशर ना मैंने भी बहुत झेला, मतलब झेला क्या, जैसे ट्वेल्थ अपन ट्वेल्थ का रिजल्ट आता भी नहीं है, हम लोग UPSC का एग्ज़ाम देते हैं. मैंने जो जो दिया मैं बताता हूँ, UPSC का एग्ज़ाम दिया मैंने, AITEE का दिया था, निफ्ट का दिया था. तो मेरा UPSC में तो ऐसा नंबर आया था ना, मतलब एक बारी को मम्मी का मोबाइल नंबर मैच हो गया था उस नंबर से, उस रैंक से. और AITEE में कुछ ठीक ठाक रैंक आ गई थी, लेकिन स्ट्रीम कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा था. और एंड ऑफ द डे मुझे आर्ट्स में जाना था, तो मैं फैशन डिज़ाइनिंग में भी ऐसा कुछ, मेरे को बहुत अच्छी लेदर डिज़ाइनिंग कुछ मिल रहा था, तो उसमें भी नहीं जा पाया था ठीक से. तो ऐसे वो तो यार लगा ही रहेगा, वो पॉपुलेशन और स्किल्स इतने ज़्यादा है ना यार इंडिया में, तो कंपटीशन तो है ही. बस वही है कि अगर मेरी वीडियो देख के अगर आप डील कर पा रहे हो या थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल रही है तो बहुत अच्छा है. टॉय फेस्टिवल में गाड़ी आपने रेंट पे ली थी, बिकॉज सुना है जापान में लाइसेंस मिलना मुश्किल है. लाइसेंस मिलना हाँ मुश्किल तो है यार, हाँ मुश्किल, मैं तो हाँ मुश्किल है भैया. हाँ भाई रेंट पे थी. अभी मैं बाइक का लाइसेंस ले रहा हूँ, अभी मैं एक बार फेल हुआ हूँ बाइक का लाइसेंस में, और बहुत ही छोटी सी मिस्टेक हुई यार. मतलब मैंने ना 5-30 cm के डिस्टेंस में रहकर मुझे फेल कर दिया. और दिक्कत है, अब मुझे डेट मिली है 2.5 महीने बाद की. अब मेरी इसी है 31 अगस्त को टेस्ट है, पास हो गया तो छूटते ही बाइक लेनी मैंने. अजय भैया थैंक्स फॉर मेकिंग सच अमेजिंग वीडियो. माय क्वेश्चन इज जैपनीज येन डाउनफॉल अफेक्टिंग डेली लाइफ. इट्स नॉट अफेक्टिंग माय डेली लाइफ बट लाइक बिकॉज येन इज ड्रॉपिंग बट इट्स नॉट चेंजिंग लाइक डेली थिंग्स राइट. या इट्स नॉट चेंजिंग लाइक डेली नेसेसिटीज थिंग्स बट फॉर मी इफ आई से इफ आई हैव टू सेंड मनी टू इंडिया बिफोर फॉर एवरी 1 lakh येन आई वॉज गेटिंग लाइक 70,000 rupees. But now, because the yen is like 57 or 60,000, I'm getting like 10,000 less. So we have to plan when we have to send the money. That's the only issue we have. Bhai, he's saying he has like ball around his stomach, how to lose it. Like his fat. Like Sara Dini, he sits in front of computer. Gym jana hota hai mujhe. Abhi morning walk start karne wala hoon. Koi exercise batao, jisse akela shuru kar do. Sabse acha hai, how to lose weight. Like, add salad in your food. And run. No, like he's saying like he can't make time for gym or something. Yeah. Like walk se shuru karo, fir jogging karna shuru kar do, fir thalki bahut running karna shuru karo. But exercise tumhara itna weight loss nahi karegi. Matlab cardio tumhara itna zyada weight loss nahi karegi jitna exercise karegi. To at least apne sharir ke liye 30 minute ka time nikalo, gym jao, eat healthy, cook yourself, don't eat junk food. इसको पता है हाउ मच आई ईट लाइक जंक फूड्स एवरीथिंग. व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ क्यों मैंने पर्पस ऑफ लाइफ एंड द गाय हु आस्क इज एनोनिमस. मेरी मम्मी की फेक आईडी. भैया कैन यू सी सम चेंजेस इन जापान आफ्टर द After the unfortunate death of former PM Shinzo Abe. ये ज़्यादा अच्छे से बताएगी. Dear decreased. Dear? What do you mean dear? Because of that, it's okay. She was trying to make a joke.
कह रही है कोहली की आवाज से ना हिरन भागे भागे इसके प्रधानमंत्री बने, शक्ल देखो इसकी. अरे वो पॉलिटिक्स हल्की सी इधर उधर नहीं हो जाती है कि विपक्ष पक्ष वाला कि अब आबे की झुकाव में ज्यादा हो गए जो वो पॉलिटिक्स सपोर्ट करता था. मुझे या पॉलिटिक्स में भी फॉलो नहीं करता ना मैं इंडिया की ना जापान की. हेलो बदा, आई हैव हर्ड देयर आर सम मिसाइल अटैक्स ऑन जापान बाय चाइना, इज दैट ट्रू? आल्सो इफ आई एम प्लानिंग टू कम टू जापान इन 4 years, विल इट बी सेफ? अरे यार चाइना से अटैक हो रहा है तो उनकी मिसाइलें भी तो मेड इन चाइना होंगी. तो बढ़िया आओ, 4 साल 40 साल कभी भी आओ. What do you think about life? Is life difficult? In Japan, I don't think my life like India में भी ऐसे difficult नहीं थी. My life is difficult. अपना रोता रही हो, रोती रही हो. Like नहीं इतनी difficult नहीं है यार. मतलब अगर आपको Saturday Sunday मिल रहा है जो आप करना चाहते हो वो कर रहे हो तो I don't think life difficult है. 9 से 5 वाला रोना तो हर जगह का सबका लगा ही रहता है. लेकिन आप Saturday Sunday भी 9 से 5 रो रहे हो वहाँ life difficult हो जाती है. कैसे हो भैया? ओ दिस इज नाइस क्वेश्चन. कैसे हो भैया? ओ ठीक हूँ भैया, ठीक है. अच्छा लगा यार किसी ने पूछा कैसे हो. टेल मी अबाउट योर फर्स्ट क्रश. अरे बहुत जूते मारेगी ये. अभी ये मुंह निचोवर हो जाएगा एक दूसरे का. कुछ क्वेश्चंस नहीं है बस, थैंक्स फॉर मेकिंग वीडियोस. ओ भाई अरे मुस्कान यार कान तक आ गई. आपने सारी ड्राॅइंग्स दिखा दो और आई होप यू पिक माई कमेंट्स इन क्यों. मैं अपनी पुरानी सारी ड्राइंग्स ऐसे ना अभी स्लाइड शो लगा दूंगा. तो इसी क्वेश्चन से ये वीडियो ख़त्म करते हैं. मेरी बैटरी ख़त्म हो गई है लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे जिनका मैं आंसर देता हूँ. भाई ज़्यादातर ऑडियंस इंडिया है तो रेवेन्यू यूट्यूब इंडिया के हिसाब से मिलता है क्या? अरे रेवेन्यू अभी मिलता कहाँ है, अभी कुछ भी नहीं मिलता यूट्यूब से. मतलब ऐसे मिल जाते हैं, मिलते हैं कुछ $5 या $10. मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो उनको भी मैं निकाल भी नहीं सकता अभी, तो कुछ एक लिमिट होती है. भैया आप कौन कौन से यूट्यूबर को जानते हो? मैं यूट्यूबर जानता हूँ, मैं कुछ यूट्यूबर्स हैं जैसे बीवी के वाइंस हो गए और फ्लाइंग बीस्ट हो गया, इन सबको जानता हूँ. बट वो लोग नहीं जानते मुझे. भैया विल यू टेक गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया और नॉर्मल जॉब इन जापान? आई टेक नॉर्मल जॉब इन जापान. भाई अगर अपनी हॉबी की, मुझे बहुत कम लोग को अपनी हॉबी से रिलेटेड जॉब मिल पाती है तो आई डोंट वांट टू लूज दैट, सो मैं गवर्नमेंट जॉब को स्किप करूंगा. आई सर्च ऑन यूट्यूब मोस्ट अंडररेटेड चैनल यूट्यूब, शो मी योर चैनल. योर चैनल तारीफ की बात है या मैं डूब मरू चुलू पानी में? अच्छा ये दोबारा मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ. और ये मैंने स्क्रीनशॉट ना कुछ ट्रिप में आने से 2 दिन पहले लिए थे, 2 दिन पहले लिए थे. तो मे बी यहाँ आने के बाद कुछ क्वेश्चन स्किप हो गए होंगे क्योंकि नेटवर्क नहीं है ना, तो उनको मैं अगले टाइम भी ले लूँगा. तो थैंक्स, डन.